वापस आ चुके हैं फिर एक बार दशहरे मेले में, और आपको बताने वाले हैं कि आज क्या क्या यहाँ पे कार्यक्रम होएगा और किस किस तरह की दुकानें आ चुकी है, कितने सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं। आप मेरे पीछे देखो कितनी सारी यहाँ दुकान स्टार्ट हो चुकी है, और देखो कितनी सारी दुकान यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है यहाँ से, और आप आज पब्लिक देख सकते हो कितने सारे लोग, अभी दिन के 1 बजे हुए हैं और कितने सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं अभी से, यहाँ पे लोगों को आना स्टार्ट हो चुका है मेले में। और देखो सामने कितनी ज़्यादा गैदर हुई पड़ी है, देखो आप मतलब लगभग लगभग स्टार्ट हो चुका है मेला दिख रहा है आपको। और जो रावण के पुतले कल खड़े कर रहे थे वो आज खड़े कर दिए गए, हम आपको आगे और दिखाते हैं, चलिए साथ में हमारे। हम आपको सबसे पहले पीछे से रावण का पीछे से एक व्यू बताते हैं कि कैसा पीछे से लग रहा है वो। इसके लिए हम श्री राम रंगमंच के अंदर प्रवेश करते हैं और एक पीछे का उनका व्यू लेते हैं हल्का सा। और ये पीछे से आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा, यहाँ पे 3 पुतले खड़े कर दिए गए यहाँ पर, मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण के, और पीछे से कुछ आपको इस तरह यहाँ पे दिखाई देने वाला है पीछे से आपको। ये तो काफ़ी विशाल यहाँ पर इस बार रावण का पुतला बनाया गया है, लगभग 75 फीट का यहाँ पुतला बनाया गया है रावण का, आप देख सकते हो मेरे साथ, मतलब पीछे से ये यहाँ पे एक अच्छा व्यू आपको देखने मिल जाएगा। और काफ़ी हद तक यहाँ तैयारियाँ पूरी हो चुकी है। नमस्ते भैया, कंप्लीट होगी तैयारियां सारी? हाँ कंप्लीट होगी, बस ये बॉम्ब लगाना बाकी है। बॉम्ब लगाना बाकी है, तो यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है? नहीं, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होने वाला। तो हमला होने वाला है कोई? नहीं, मतलब रावण में फटाके लगाना बाकी है शायद। हाँ। अच्छा, तो मतलब कितने बड़ा कितने फीट का रावण कुछ बनाया आपको अंदाजा है कुछ? नहीं नहीं, आपको कुछ अंदाजा है कितने कितना बड़ा कितना साइज रखा है रावण का? ये पता नहीं है। पता नहीं है, चलो कोई नहीं, एंजॉय करो फिर भी। एक यहाँ पे रावण का पुतला बनाया गया, और ये रामलीला रंगमंच का जो कार्यक्रम था वो रामलीला भी अब खत्म हो चुकी है, आज लास्ट दिन है दशहरा, जो रावण दिन है, जो कल रामलीला खत्म हो चुकी थी, रावण का वध हो चुका था, और आज सारी तैयारियाँ लगभग कंप्लीट हो चुकी है मेले की, और बहुत ही अच्छी यहाँ पर ओपनिंग हुई है। आज दिन में 1 बजे बहुत सारे लोग यहाँ पर देखने आ चुके हैं मेले में, और इतनी भीड़ हुई पड़ी है कि आवाज़ भी आना मुश्किल है। चलिए फिर हम आपको आगे से फ्रंट आपको आगे से हम रावण का पुतला दिखाने वाले हैं कि कैसा यहाँ पे दिखने वाला है रावण का पुतला। और ये तक यहाँ पे तैयारियाँ हो चुकी है कंप्लीट, क्या मतलब मेरे साथ आप देखो कितनी सारी गैदर यहाँ पे आई हुई है। और ये देखो दुकान कंप्लीट तरीके से शुरू। नमस्ते, कहाँ से आएगा? मथुरा से आए हैं। क्या क्या अपने आइटम मिलता है शॉप पे? पेट के हाजमे के गैस के चूरण वगैरह मिलते हैं, मुखवास के मांस है, सौंफ, सुपारी, अचार, चूरन, चटनी वगैरह, अनारदाना, आलू बुखारा, हिंग पेड़ा, बहुत पुरानी दुकानें बस, बहुत पुरानी कॉर्नर पर लगती थी पहले का हकीम जी के जमाने से, है ना, फार्मेसी के नाम से दुकान आती है। तो यहाँ पे आपको पेट से रिलेटेड हाजमा, चूरन सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है शॉप पर। आप एक बार देखो कितनी बड़ी यहाँ पे शॉप इन्होंने लगाई, और आज से मेला स्टार्ट हो जाएगा, तो आज से आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो, और बहुत ही अच्छी यहाँ पे शॉप लगाई इन्होंने, और मथुरा से यहाँ पे आए, और हम आगे आपको और बताने वाले हैं। यहाँ पे वॉच की शॉप यहाँ पे लग चुकी है, और इसके अलावा देखो अभी से लोग बाग खरीदारी करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, और काफ़ी एक्साइटमेंट यहाँ पे देखी जा रही है लोगों के अंदर, लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इस चीज़ को लेकर। और हम आपको बताएंगे कि पुतला में क्या और एक्स्ट्रा चीज़ उन्होंने ऐड की है रावण के पुतले में, और फिर लोगों से जानते हैं कि क्या क्या उनको लगा है इस पुतले। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पर लोग बाग आ चुके हैं, कितनी सारी पब्लिक यहाँ पे आई है, और रावण की जो हंसी आपको सुनने में आ रही होगी, हाँ 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 रावण यहाँ पे हंस रहा है। मैं आपको और अंदर जाकर लेता हूँ कि क्या सीन यहाँ पे रहता है। जो आप सामने देख रहे हैं वो पुतले यहाँ पे लग चुके हैं, और हम आगे आते हैं। और तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना विशाल पुतला यहाँ पे रावण का तैयार हो चुका है बनके, और यहाँ पे इतनी आवाज आ रही है जो कि मैं आपको ठीक से बता भी नहीं सकता, शायद आपको मेरी आवाज थोड़ी कम आ रही होगी। और हम और अंदर आते हैं। हाँ, तो अब हम लोगों से यहाँ पे एक्चुअली जो एक परंपरा है लोगों की, जो रावण का पुतला उसमें पत्थर फेंके जाते हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर से पत्थर कलेक्ट करके वो फेंक रहे हैं, और बहुत ही एक अलग ही तरीके से, कि इसमें क्या ये माना जाता है कि यहाँ पे अपनी जो भी बुराइयाँ हैं उनको रावण को साथ उनको जला दिया जाता है रावण के साथ। और फिर हम और लोगों से पूछते हैं कि क्या यहाँ पे सीन रहता है, लोगों क्या क्या रिव्यू वगैरह है। रावण की आवाज़ इतनी तेज़ आ रही है कि मैं आप शायद आपको मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी, क्योंकि इसमें अलग अलग इफेक्ट इसमें डाले गए साउंड इफेक्ट।
अब आप इधर से देखें कितना बड़ा यहाँ पे आपको व्यू मिलेगा रावण का, पुतले का। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। कितने फीट का रावण इस बार बनाया है आपने? नहीं पता, चलो इनको पता नहीं है, ऐसे देखने आए हैं, किसी और से अपन जानना चाहते हैं। और नमस्ते भैया। नमस्ते। कितने फीट का रावण इस बार बनाया गया है? आइडिया नहीं है यार, कोई आइडिया नहीं है। ये मेघनाथ का पुतला कितने फीट का बनाया गया है? नो आइडिया। कैसा मेला, कैसा लग रहा है इस बार? मेला तो अब लगेगा जब पता लगेगा कैसा लग रहा है। पिछले साल से बड़ा है, छोटा है? नहीं, साइज तो वही है, अब दुकानें लगेगी जब पता लगेगा, अभी तो आज पहले ही दिन है। आप कोटा से हो? बिल्कुल कोटा से। तो एक बहुत लोगों को, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है मेले का कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा। और हम यहाँ लोग कैसे फोटो खिंचा रहे हैं, आप देखो कितना, मतलब यहाँ पे रोमांच है, लोगों को फोटो खिंचाते हुए। इधर देखो कितने सारे लोग एक साथ फोटो खिंचा रहे हैं। और एक स्काउट गाइड भी यहाँ पे आ चुके जो बहुत सारी तैयारी करवा रहे हैं। पीछे देखिए आप स्काउट गाइड, सर पीछे देखिए यहाँ पे स्काउट गाइड्स जो मतलब लगाए गए हैं ड्यूटी पे, उनके भी बहुत ज़्यादा ड्यूटी का कार्यक्रम यहाँ पे हो चुका है स्टार्ट। और काफ़ी हद तक ये मेरा वीडियो को जरूर लाइक करें, और कल हमारी जो वीडियो है उसको आप जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच।